तस्वीरें हमीरपुर में राठ कोतवाली क्षेत्र की हैं। यहाँ कोतवाली के सामने जाम लगाए ये सभी लोग राठ कस्बे के दीवानपुरा मोहल्ले के रहने वाले हैं। इनकी बेटी उमा की शादी 5 साल पहले कस्बे में ही हुई थी, जिसकी कल फांसी लगने से मौत हो गई थी, जिस पर उमा के परिजनों ने हत्या किए जाने की बात कहते हुए बीते दिन ही पुलिस को तहरीर दे दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। और बहुत बुरी तरह से मारो माई बिटिया के थे लोग, गुल परे थे, गुल परे होटल में गुल परे, और कह रहे हैं कि फांसी लगा के मर गई। हमारी बिटिया फांसी लगा के मरती तो कहूँ तो सनारी होती फांसी वाले की, पूरी पिटी लाल थी, ये गालन में नहंगे बने थे, हुदा मुँह में हुदा गले थे, इन्हें मार दी जान से, और मई मारे की कोई सुनाई नहीं हो रही। पुलिस पूरी बिक चुकी है, पैसे में खरीद ली उनने। पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने से परिजन और अड़ोस पड़ोस के लोग उत्तेजित हो गए और कोतवाली के सामने ही सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद भी पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़ितों को ही पीटते हुए घसीटना शुरू कर दिया और उनके कपड़े फाड़ दिए। लोग FIR करने के लिए कल से परेशान हैं, FIR नहीं लिखी गई, उसके बावजूद जब देखा कि हमारा PM होने जा रहा है और हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा, पता नहीं उन्होंने हो सकता है डॉक्टर को भी खरीद लिया हो, तो हम चाह रहे थे कि हमारी पैनल जो डॉक्टरों का 3 लोगों का पैनल होता है उसकी उपस्थिति में, वीडियो कैमरे की उपस्थिति में हो, हम ये चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग अपना आनंद फानंद में जल्दी कराना चाह रहे, तो इसको लेकर के हम लोगों ने यहाँ जाम लगाया होगा। जाम लगाया तो पुलिस प्रशासन आ करके खुद मेरे साथ हाथापाई की हुई है। बताइए क्या यही योगी सरकार है या यही BJP सरकार है? अगर ऐसा ही सरकार में हो रहा है। 24 घंटा बीत जाने के बाद भी पीड़ितों की तहरीर पर मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया और उल्टा पीड़ितों के साथ ही मारपीट क्यों की गई, इस पर पुलिस तहरीर मिलने से इनकार कर रही है और उल्टा रोड जाम करने के जुर्म में पीड़ितों के खिलाफ ये मामला दर्ज करने की बात कह रही है। अभी तक कोई तहरीर लोगों ने नहीं दिया है, बात कर रहे हैं कि तहरीर आ रही कल से आज तक हो गया। उनका कहना तो है कि तहरीर आपके पास दी जा चुकी है, उच्चाधिकारियों के पास भी तहरीर दी गई है। कहीं ना किसी के पास तहरीर नहीं दी, ना उच्चाधिकारी के पास दी गई, ना थाने में दी गई। तो कार्रवाई अभी हाईवे जाम है, इंस्पेक्टर साहब क्या कार्रवाई बता रहे हैं परिजनों के साथ? यहाँ पे बुरा बर्ताव भी किया गया है, मारपीट की गई है पीड़िता के साथ, हाईवे जाम किया, इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनका कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा जो उनकी लड़की मर, मुकदमा लिखा जाएगा। योगी सरकार एक तरफ ऑनलाइन FIR दर्ज करने की बात करती है और दूसरी तरफ उनकी पॉलिसी पीड़ितों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के बजाय पीड़ितों की ही पिटाई और उल्टा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। क्या इस पर भी सरकार की नजर पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 75, हमीरपुर।